हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्वेस्टर पंडित की इस नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें और ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो पर। हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे शेयर्स की जो कि अभी काफ़ी सस्ते हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से भी कम है और इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में आगे जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये अपनी प्राइस को यहाँ से कई गुना कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे स्टॉक्स पर। आ चुके हैं हमारे फर्स्ट स्टॉक पर। तो की मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि पी रेशो के हिसाब से अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हमको मिल रहा है। 10.61 का ही पी रेशो है और सेक्टर पी अगर आप देख सकते हैं तो वो भी -280.717 है। मीन्स आप देख सकते हैं सेक्टर के कंपैरिजन में भी ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। एंड डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो वो सेक्टर डिविडेंड यील्ड से ऑलमोस्ट आधा। चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू का डेटा सफिशेंट नहीं है। रिटर्न्स इसने FD से बेटर दिए हैं। डिविडेंड्स ये स्टॉक अच्छे नहीं देता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है और ये स्टॉक ASM GSM लिस्ट में नहीं है, तो इसके अंदर रेड फ्लैग्स नहीं फाउंड हुए हैं और ये एक कंपैरेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। चलते हैं स्टॉक के नाम के ऊपर। तो स्टॉक का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। कम्युनिकेशन सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। स्मॉल कैप है एंड हाई रिस्क इसमें इंडिकेट कर रहा है। देख लेते हैं रिटर्न्स भी। 1 वीक का नेगेटिव, 1 डे का नेगेटिव ऑलरेडी था, 1 मंथ का पॉजिटिव ऑलमोस्ट 39% एंड 1 ईयर का अगर देखें तो 105.32%। 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल से ज़्यादा कर दिया है। एंड 5 ईयर्स का अगर देखें तो 13 गुने से ज़्यादा ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर चुका है। मैक्स अगर देखें तो 2.5 गुने के ऑलमोस्ट ये अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर चुका है। तो इस तरह से हमारा शेयर हो जाएगा पहला ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी हाई रहता है और रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा रहता है। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए रुक सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कुछ साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप शेयर्स की खासियत ही यही होती है कि वो जब गिरते हैं तो 60-70% भी लॉस होता है, लेकिन जब वो उठते हैं तो 100 गुना 150 गुना 200 गुना तक आपके पैसे को कर देते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पर। आ चुके हैं की मैट्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक की पी रेशो के हिसाब से ये हल्का महंगा है। 33.22 इसका पी रेशो है। सेक्टर पी के कंपैरिजन में भी महंगा ही है क्योंकि वो है -17.75 ऑलमोस्ट 18 का। एंड डिविडेंड यील्ड इसका कुछ भी नहीं है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.39% ऑलमोस्ट नन। चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा इनसफिशियंट है। रिटर्न्स इसने FD से बेटर दिए हैं। डिविडेंड ये अच्छा ऑफर नहीं करता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है एंड रेड फ्लैक्स इसके अंदर नहीं है। किसी भी प्रमोटर्स की कोई भी होल्डिंग्स प्लेज नहीं है उसका एक कोई भी बड़ा हिस्सा। चलते हैं स्टॉक के नाम के ऊपर। तो हमारा स्टॉक है पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स। स्मॉल कैप है, हाई रिस्क है। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल कैप्स की रिस्क हाई ही होती है। रिटर्न्स आप देख सकते हैं 1 डे का पॉजिटिव है, 1 मंथ का भी पॉजिटिव है, 1 ईयर का तो सुपर पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट 2.5 गुना इसने एप्रिसिएशन दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को, 244.03% का। 5 ईयर्स के अगर रिटर्न्स देखें तो 19 गुने से ज़्यादा इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है। एंड मैक्स अगर रिटर्न्स देखें तो ऑलमोस्ट 8 गुना इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है और अभी ये काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है, 100 रुपये से नीचे है।
तो आप अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। पी रेशो की अगर बात करी जाए तो सेक्टर के कंपैरिजन में पी रेशो काफ़ी कम, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक भी ट्रेड हो रहा है। इसमें एंट्री ली जा सकती है। पी रेशो के हिसाब से ये बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी। अगर हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो ये डिविडेंड्स वैसे भी उतना ज़्यादा ऑफर नहीं करती हैं। सेक्टर डिविडेंड यील्ड है ऑलमोस्ट 2% का, 1.84%। चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से ये एक 4-स्टार इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बनाता है, जो कि बहुत ही अच्छी है। 5 में से 4 बॉक्सेस को राइट टिक करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे हमें ये स्टॉक मिल रहा है, मींस ये बहुत अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग मानी जाएगी अगर हम अभी इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो। रिटर्न्स इसने FD से बेटर दिए हैं। डिविडेंड ये अच्छे ऑफर नहीं करता है। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है और इसके अंदर कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं फाउंड हुए हैं। मींस ये एक काफ़ी ठीक निवेश हो सकता है अगर हम इसको अभी लेते हैं तो। चलते हैं स्टॉक के नाम के ऊपर। तो हमारा स्टॉक है कैल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। कीमत अभी चल रही है 73 रुपये के आसपास। वन डे में पॉजिटिव है, वन मंथ में भी पॉजिटिव है, वन ईयर में भी अच्छा है एंड 5 ईयर्स में भी अच्छे रिटर्न्स हैं। और मैक्स अगर देखा जाए तो अभी काफ़ी गिरी हुई कीमत पे हमको मिल रहा है। IT सेक्टर की कंपनी है, स्मॉल कैप है, हाई रिस्क है, बट अगर आपका नज़रिया लंबा है और लॉन्ग टर्म का है आप इसमें बेझिझक एंट्री ले सकते हैं। क्या पता ये कल को विप्रो या इंफोसिस बन जाए, क्योंकि वो कंपनीज भी कभी माइक्रो और स्मॉल कैप ही थी। ये फैक्ट हमेशा याद रखें, छोटी कंपनी ही हमेशा बड़ी बनती है, बड़ी कंपनी और उतनी बड़ी नहीं बनती है। अगर आप बहुत अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको रिस्क ज़्यादा ही लेना होगा, तभी रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। देख सकते हैं कि मैट्रिक्स के हिसाब से महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है कंपनी। 31.13 है पी रेशो। सेक्टर पी है -280.17, मींस पूरे सेक्टर की बैंड बजी पड़ी है। डिविडेंड यील्ड 0.24%, सेक्टर डिविडेंड यील्ड 0.70%। चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से ये 3 बॉक्सेस राइट टिक करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा इनसफिशिएंट है। रिटर्न्स ये FD से बेटर देता है। डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे ऑफर नहीं करती है ये कंपनी। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है, मींस ये एक अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश हो सकता है। चलते हैं स्टॉक के नाम के ऊपर। स्टॉक है HFCL लिमिटेड। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, हम खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हैं और इस कंपनी का फ्यूचर हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे रिटर्न्स आगे चलकर दे सकती है। कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर काम करती है कंपनी। स्मॉल कैप है, हाई रिस्क है। रिटर्न्स अगर हम देखें तो 1 मंथ के भी पॉजिटिव हैं, 1 ईयर के नेगेटिव हैं, 5 ईयर्स के अगर देखें तो इसने 3 गुने के लगभग अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है, उनका कैपिटल अप्रिसिएशन एंड अगर मैक्स रिटर्न्स इसके देखें तो माइनस में है 90.70, ऑलमोस्ट 91%। इसका जो हाईएस्ट रहा है शेयर प्राइस हो रहा है 2578.05 रुपये का और लोएस्ट जो रहा है ऑलमोस्ट 6 रुपये का, अभी चल रहा है 67 रुपये का प्राइस। और इस कंपनी का हमें लगता है कि आगे चलकर काफ़ी अच्छा कर सकती है, तो इसीलिए हमारा ये एक स्टॉक इन 5 कंपनीज में से होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के हिसाब से 100% ऑफ एनालिस्ट ये मानते हैं कि स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। एंड की मेट्रिक्स की अगर बात करें तो अभी ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 23.77 इसका पी रेशो है, मींस अभी इसमें इन्वेस्टिंग की जा सकती है। सेक्टर पी की अगर बात करी जाए तो वो बहुत हायर साइड के ऊपर है, ऑलमोस्ट 134 का, 133.76 टू बी प्रिसाइज। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट सेक्टर डिविडेंड यील्ड के दुगने के आसपास, इसका दुगने से थोड़ा कम एक्चुअली, इसका है 0.93%, सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.57%। चलते हैं चेकलिस्ट की तरफ।
तो चेकलिस्ट में अगर हम देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा इनसफिशियंट है, रिटर्न्स इसने एफडी से अच्छे जनरेट करके दिए हैं, डिविडेंट ये स्टॉक अच्छे देता है, एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, रेड फ्लैग्स इसके अंदर फाउंड हुए हैं क्योंकि स्टॉक एएसएम लिस्ट के अंदर है। एएसएम लिस्ट क्या होती है अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए उसके ऊपर बना दूंगा। और भी जो या जिस भी तरह के वीडियोज़ आप चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूँ और आपको वो कंटेंट दे सकूं जो आप चाहते हैं। चलते हैं स्टॉक के नाम के ऊपर। तो स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड, मिड कैप कंपनी है, मॉडरेट रिस्क है, सिर्फ ₹40 की प्राइस है अभी, ₹40.45 टू बी प्रिसाइज। वन मंथ के अगर हम रिटर्न्स देखें 2.86%, वन ईयर के अगर देखें तो दोगुने से ज़्यादा इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है। फाइव ईयर्स के अगर रिटर्न्स देखें तो 369.80% के रिटर्न्स हैं, मैक्स अगर रिटर्न्स देखें तो 11,457.14% के रिटर्न हैं, 114 गुने से ज़्यादा इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को अभी तक कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी हमें लगती है जो आगे चलकर और भी अच्छा कर सकती है। तो अगर आप इन पांच कंपनीज में इन्वेस्टेड रहते हैं और आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया रहता है तो ये कंपनीज़ आपको आगे चलकर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकती हैं, और ये कंपनीज़ हमारी पर्सनल फेवरेट भी हैं, और चूंकि इनकी कीमत अभी ₹100 से कम है तो इनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आप इनको लेकर रख सकते हैं और ये फ्यूचर में अच्छा करेंगी, ऐसा हमारा मानना है। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन या एडवाइस तो नहीं है, पर फिर भी आप अपनी सर्च रिसर्च के आधार पर ज़रूर से इन्वेस्टिंग में इन कंपनीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।